दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप घर बैठे इंस्टेंट लोन अगर 2 से 5 लाख रुपए मिले तो आप क्या लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ IIFL फाइनेंस के बारे में। ये जो कंपनी है खुद में बहुत बड़ी NBFC कंपनी है और इनके ऑफिशियल वेब एप्लीकेशन के ऊपर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ साल पहले मैंने इस एप्लीकेशन से लगभग 45,000 का लोन लेकर दिखाया था पूरे 9 महीने के लिए। वो वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे मुझे रिस्पांस मिले थे आप लोगों की तरफ से। लेकिन 2024 में दोस्तों यहाँ पर समस्या ये आती है कि भैया इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइबर बेस के ऊपर दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों दोस्तों क्वारी ये आती है कि भैया हमारी एप्लीकेशन जो है साफ़ सुथरा है, मैं फिर भी बेहतर तरीके से अप्लाई करता हूँ, हमारे सिविल स्कोर 720 या फिर 750 है, फिर भी हमारी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पा रही है। यहाँ पर IIFL फाइनेंस के अंदर में गोल्ड लोन, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल या फिर होम लोन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों बेसिक बात करूँगा पर्सनल लोन्स के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कोई भी लोन एप्लीकेशन जो होते हैं या फिर RBI रजिस्टर्ड बैंक फॉर्म से लोन मिले या फिर NBFC फॉर्म के जरिए से लोन मिले, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन मिले, अगर आपको लोन मिल रहा है तो समझिए कि सिविल के बिना लोन आपको नहीं मिलता है। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भैया हमारे 750 या फिर 800 ऐसा सिविल स्कोर है फिर भी हमारी अप्रूवल नहीं मिल रही है। किसी कारण से अगर आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा तो जो भी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम निकल के आ रही वो चीज़ें अभी हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है अप्रूव क्यों नहीं हो रही है। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एप्लीकेशन 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सब कुछ बताऊंगा, एप्लीकेशन कैसे काम करती है, किसको लोन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है और प्रॉपर आपके सिविल के अंदर क्या क्या चीज़ें दोस्तों देखा जाता है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने EMI को, टेनऑर देख सकते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह देख सकते हैं और मंथली EMI आपकी क्या निकल के आने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ IIFL फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। अब ये एप्लीकेशन जो है जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था स्टेप बाय स्टेप लोन लेने का पूरा प्रोसेस, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों रेटिंग की बात किया जाए तो 4.4 के साथ एप्लीकेशन ये रेट करी और राइट साइड में देख सकते हैं 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों समझिए कि अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये प्रॉपर काम करने वाली है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए सिविल स्कोर अगर आपका 700 से ऊपर है तो भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिविल स्कोर के अंदर में किसी तरह का कोई डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 लोन अकाउंट आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ज़्यादा लोन अमाउंट का डेबिट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोन की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए आपके सिविल में। इससे अगर आप बचते हैं तो आपका 99% चांसेस है कि आपको लोन अमाउंट के अप्रूवल मिल जाएगी किसी भी लोन फॉर्म के अंदर में, किसी भी बैंक या फिर NBFC के अंदर में। तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दोस्तों या फिर लोन आपका प्रोसेस होता है। सिविल के अंदर यहाँ पर दोस्तों बात करें तो रिजेक्शन होने के कई तरह का रीज़न होते हैं, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें मैंने आपको अभी बताया। सिविल स्कोर आपका 700 से ऊपर भी है तो भी आपको लोन मिलेगा। ध्यान रखिएगा ज़्यादा लोन की इंक्वायरी ना करें, बार बार लोन अप्लाई मत करें किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ कि बार बार किसी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको लोन अप्लाई करने की दोस्तों ज़रूरत है ही नहीं। बार बार अप्लाई करेंगे आपके सिविल में दोस्तों रिपोर्ट हो जाती है और ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यू तो आपका सिविल माइनस में भी जा सकता है। सपोज करिए आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा अमाउंट, सॉरी आपका पॉइंट जो भी है सिविल का, वो पॉइंट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है अगर आप कंटिन्यू इसी तरह से आप करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन ये काम करती है। आप देखिए कहीं भी सिविल के बेस पे ही आपको लोन मिलता है, भले यहाँ पर दोस्तों आपको लोन जो मिलेगा आधार पैन के बेस पे लोन तो मिलता ही है, लेकिन इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर क्लियर करना होगा भैया सिविल स्कोर साफ सुथरा आपका सिविल स्कोर होनी चाहिए। तो दोस्तों बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताने की थी। भैया काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, तो भैया यहाँ पर सिविल स्कोर जो होगी भैया साफ़ सुथरा होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट मत ही रखिएगा। आपके सिविल अगर आपका डिफॉल्ट होगा तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो RBI रजिस्टर्ड अप्रूव है भैया, NBFC फॉर्म के जरिए से लोन मिल रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सिविल बेस ये लोन मिल रहा है तो साफ सुथरा आपका लोन अकाउंट होना चाहिए, 2 से 3 लोन अकाउंट एक्टिव रहेगा तो काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लोन की इंक्वायरी नहीं करिएगा सिविल में और डिफॉल्ट तो भैया करिएगा ही नहीं। तो अगर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइफ स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दोस्तों
वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। 100% डिजिटल प्रोसेस होते हैं, किसी तरह का कोई कलेक्ट्रोल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दोस्तों नहीं है। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के साथ लोन आपको मिलता है, बिजनेस को भी आप बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी लोन आप ले सकते हैं। तो भैया यहाँ पर 30 मिनट के अंदर में आपको सारा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर 2 लाख रुपए से स्टार्टअप होते हैं, सीधा बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का नंबर वगैरह सारी चीज़ दी गई है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।